बहुत अचानक मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बोलना है। बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ मेरे पास कभी नहीं रहता, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हमेशा मैं दोहराता हूँ और आप लोगों को सिखाता भी हूँ क्लास में, कि हमेशा आप अपने सपनों के पीछे भागे। जितने भी विद्वान, जितने भी बड़े लोगों से आज तक मैंने सीखा है, हमेशा यही सुना और समझा कि जिनके पास सपना नहीं होता वो जिंदगी में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते। बचपन से अगर आप कोई एक सपने के साथ अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप उसमें सफल हो। नहीं देखने पर असफलता की पूरी गारंटी है, लेकिन सफल होने के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। पहले नंबर पर आपको उस चीज को देखना पड़ेगा जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। इसको पाने के लिए आपके अभिभावक, आपका विद्यालय, आपके शिक्षक हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जब हम स्टूडेंट होते हैं, हमेशा क्लास में भी आप लोगों को बताता हूँ कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमको अपने भले की बात करने वाले लोग अक्सर बुरे लगते हैं। जो आपसे अच्छी बातें कहेंगे, जो आपसे ज्ञान की बातें कहेंगे, आपको अक्सर उनसे चिढ़ होगी। आप बहुत बाद में इस बात को रियलाइज करते हैं कि उस व्यक्ति ने एक जमाने में जो आपसे कहा था वो आपके लिए कितना सटीक था। लेकिन कई बार रास्ता आप तय कर चुके होते हैं और असफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब आप उस बात को समझ पाते हैं। आप में से कुछ बच्चे ही मस्त आते हैं, कुछ बच्चे ही सफल होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस शिक्षक की, उस अभिभावक की या उस मेंटोर की बातों को ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारते हैं, तब वो कुछ चंद लोग सफल हो पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सारे बच्चे अपने विद्यालय के शिक्षकों की, अपने जैसे आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी और ऐसे विद्वानों की जब जब प्रोग्राम्स होते हैं, उन विद्वानों की जो जो बातें हमको बताई जाती हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हम सफल होंगे। चाहते हैं सभी सफल होना? Yes, कोई भी नहीं होगा जो असफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उसे चलना पसंद नहीं करते, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक बात तो ये थी, तो हम आज से सब प्रण करना चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे प्रण करें कि एक सपना पालेंगे और उस सपने के पीछे हम मेहनत करेंगे।